बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेसन नंबर चैप्टर नंबर 3 एंड दिस इज़ लेसन नंबर 7। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो वैसे भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं, और उसके अलावा भी आप जानते हैं कि देर शुड बी 25% लैंड कवर्ड विद फॉरेस्ट इन एनी कंट्री फॉर बेटर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहरहाल बहुत कम ये परसेंटेज है, और लेकिन फिर भी एक नेचुरली गिफ्टेड मुल्क है, बहुत सारे रिसोर्सेज अभी भी मौजूद हैं अगर उनकी केयर कर ली जाए। और इस केयर के लिए हमने किसी पर डिपेंड नहीं करना, बाकी इदारे, बड़े बड़े इदारे अपना काम कर रहे हैं, हमने भी अपने लेवल पर इसमें रोल प्ले करना है। ठीक है, तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे बेसिकली डिफॉरेस्टेशन के हवाले से। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? डी का मतलब डिस्ट्रक्शन से आया है, ख़त्म करना। सो फॉरेस्ट को ख़त्म करना, और ये कैसे ख़त्म होंगे? बाय कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ नॉन फॉरेस्ट लैंड टू अ नॉन फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, आप फॉरेस्ट को जो है वो नॉन फॉरेस्ट लैंड बना रहे हैं, और बनाने की कई रीज़न्स हैं। उसमें एक तो रीज़न ये आती है कि वुड की ज़रूरत है। मॉडर्न एज के अंदर भी आप वुड का यूज़ बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें फॉरेस्ट्स को लाजमी कटिंग डाउन करनी पड़ेगी। इस तरह से एग्रीकल्चरल लैंड बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो ज़रूरियात हैं पॉपुलेशन के हवाले से वो एग्रीकल्चरल लैंड के हवाले से बढ़ रही हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि एक सर्वे हुआ था पाकिस्तान में, अभी भी जितनी, हालांकि इतना एग्रीकल्चरल मुल्क है, अभी भी जितनी लैंड यूज़ हो रही है एग्रीकल्चर के हवाले से, इससे 10 times ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत करके लैंड यूज़ की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि उसके बजाय क्या हो रहा है कि जंगलात को ही ख़त्म करके, क्योंकि इससे ज़ाहिर है दो एडवांटेज मिलते हैं। एक तो जंगल ख़त्म होगा तो वुड आपको मिल जाएगी, और दूसरा एडवांटेज ये मिलेगा कि जो लैंड होती है फॉरेस्ट की, वो वैसे ही बड़ी जरखेज़ होती है, फर्टाइल लैंड होती है, तो उसको इजीली, इसमें इतनी मेहनत किए बगैर उसको जो है एग्रीकल्चर लैंड बनाने में आसानी हो जाएगी। अगला जो मरहला आता है वो है अर्बन डेवलपमेंट का, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। अमेज़ॉन फॉरेस्ट है अमेरिका के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अब तो शायद ना रहा हो, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल रहा है, तो इसका तकरीबन 20% जो है वो डिफॉरेस्टेशन का शिकार हो चुका हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको बताते चलें स्टूडेंट्स के अभी भी दुनिया में ऐसे मुल्क हैं, यानी ब्राज़ील जो है एरिया के लिहाज से पाकिस्तान से 8 times ज़्यादा है, और उसके अंदर जो फॉरेस्ट हैं वो फॉरेस्ट में वो एरिया के अतबार से पाकिस्तान से 6 गुना बड़े हैं, 6 times ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अभी भी ऐसे मुल्क दुनिया में मौजूद हैं। बहरहाल, अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स, वो पड़ता है अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल को और मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर को। ठीक है, क्योंकि जो सॉइल के अंदर वाटर है, अगर वो यूज़ ना हो प्रॉपरली तो भी नुकसान होता है, तो वो यूज़ होने का बहुत बड़ा जो सोर्स है वो आपके फॉरेस्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फॉरेस्ट ट्रीज़ होते हैं, इनसे जो वाटर ट्रांसपायर होता है, एयर में मूव करता है, वो जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो रेन को लिए एक बड़ा अच्छा सोर्स है, और उसको बैलेंस्ड रखता है एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से ख़राब हो चुका हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो अगला नुकसान है वो है सॉइल एरोजन। ठीक है, मिट्टी का कटाव आपने पढ़ा था टॉपिक की गालबनी है ज्योग्राफिया के अंदर, तो इसकी पिक्चर आपके सामने शो की जा रही है। जब इस तरह की कंडीशन हो जाएगी फॉरेस्ट के ना होने से, तो फिर क्या होगा, जब रेन होगी तो रेनफॉल के साथ ये जो मड है, ये मड की फॉर्म में रिवर्स के अंदर चला जाएगा। ये रिवर की पिक्चर है। ठीक है, यानी वो मड से फिल हो जाएगा, और जब रिवर मड से फिल होगा तो जब इसमें नेचुरली पानी आएगा तो वो फिर फ्लड का जरिया बन जाएगा और सैलाब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर यही सिल्टेड वाटर जो है ये डैम्स की तरफ मूव करेगा, तो डैम्स की भी स्टोरेज कैपेसिटी को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, क्योंकि डैम के अंदर नीचे मड भरी होगी तो ऊपर जो वाटर स्टोरेज है वो बहुत कम रह जाएगी। इसी तरह से ट्रांसपायरेशन की बात अभी हो गई कि जब ये कम हो जाएगी तो क्लाउड फॉर्मेशन पे असर पड़ेगा, और इट विल अल्टीमेटली रिड्यूस द सोर्सेज ऑफ रेन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो बात होगी इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन की। अब अगर हम बात करें फॉरेस्ट के फ़ायदे हमें क्या हैं,
तो जाहिर है टिम्बर है, फ्यूल वुड है जो हम आज भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटीज में आज भी, मॉडर्न सोसाइटीज में भी ये इस्तेमाल हो रही हैं। इसके अलावा पेपर जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत बना हुआ है, तो पेपर इंडस्ट्री भी आपकी वुड से बिलोंग करती है। इसके बाद अगर हम मज़ीद इसकी बात करें तो इसमें अगर हम इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा देखें तो वो स्टूडेंट्स फॉरेस्ट से अटैच है, यानी फॉरेस्ट से, ये तो बड़ी बड़ी बात होगी ना कि टूरिस्ट आते हैं फॉरेस्ट के अंदर और वुड मिलती है और आपको पेपर बनाने के लिए इसमें मटीरियल मिल जाता है। इसके अलावा भी फॉरेस्ट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर फॉरेस्ट को आप कटिंग डाउन कर देंगे तो फिर आपको वो इकोनॉमिकली भी एडवांटेजेस मिलना बंद हो जाएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स बहुत बड़ा जो सोर्स है, जो फायदा है फॉरेस्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और पोल्यूटेंट बन जाती है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो नेचुरली भी एयर में होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन अगर ये एक लेवल से बढ़ जाती है तो ये पोल्यूटेंट के तौर पर सामने आती है। तो इसको भी रिड्यूस करने के लिए फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद स्टूडेंट जो एस्थेटिक ब्यूटी है, जो एक नेचुरल ब्यूटी है फॉरेस्ट की, वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, और टूरिज्म एक पूरी इंडस्ट्री होता है किसी भी मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री रहा है। तो लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो इसको भी यकीनन फ़र्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो बायोडाइवर्सिटी को है वो है ओवर हंटिंग का, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्शन में जा चुकी हैं, ठीक है, और इससे भी ज़्यादा इंडेंजरमेंट के जोन में दाखिल हो चुकी हुई हैं। और इसमें बहुत बड़ा नाम जो हमारा पाकिस्तान का कौमी जानवर है मारखोर, ये भी इसके शिकार में आ चुका हुआ है, और ओवर हंटिंग की वजह से ये भी रिड्यूस हो चुका हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी जो है वो देखने की ज़रूरत है। अब इसको देखने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं स्टूडेंट्स, जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व रखने के लिए, वो मैंने आपके सामने कुछ ये बड़े बड़े इदारे हैं, जो दो तो इंटरनेशनल इदारे हैं, IUCN और WWFP फॉर पाकिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान की पूरी मिनिस्ट्री है एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, NGOs भी हैं जो इसको बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जो स्टेप्स पिछले 20 to 30 years में पाकिस्तान के अंदर भी लिए गए हैं। उसमें एक तो नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाई गई, ठीक है, वजारत की सतह पे जो है पाकिस्तान के अंदर एक प्लान तैयार किया गया कि बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और बकायदा तौर पे इस प्लान के अंदर पहले प्रॉब्लम्स को इनलिस्ट किया गया और फिर उसके हवाले से जो है उसके सोल्यूशंस पर भी काम किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा UN ने भी जो है इसमें प्ले किया, अपना रोल प्ले किया, हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, ठीक है, हिमालय के जो जंगलात हैं जो बहुत रिच हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर, इनको भी कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व रखना है, इसके लिए भी प्रोजेक्ट पे काम हुआ, ठीक है, और बड़ा कामयाब रहा। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर जो फॉरेस्ट हैं वो ड्राई फ्रूट्स बहुत बड़ा एक सोर्स हैं, ठीक है, उन पर भी जो है वो काम हुआ। नॉर्दर्न एरियाज के अंदर बहुत सारे जंगल आते हैं छोटे बड़े, उन पर भी काम हुआ। इसके अलावा जो माइग्रेटरी बर्ड्स चित्राल के इलाके में आते थे उनका बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता था, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं तो उनका शिकार वहाँ पे बैन किया गया। इसी तरह से जो है मारखोर के हवाले से भी स्ट्रेटजी बनाई गई, और इसके अलावा जो बियर का शिकार होता था कुछ इलाकों में, कुछ जंगलात में जो टूरिस्ट आते थे, उस पर भी पाकिस्तान के अंदर बैन किया गया, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जो लेने बहुत ज़रूरी हो चुके हुए थे, और इसके अलावा भी मज़ीद स्टेप्स की ज़रूरत है, ठीक है। स्टूडेंट्स पाकिस्तान में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात करें तो बहुत बड़ा जो इसमें एक वो नाम है वो इंडस डॉल्फिन का है, जो एक फ्रेंडली जानवर होता है डॉल्फिन। तो इसको अगर हम देखें तो दरियाए सिंध में इसकी जो स्पीशीज़ थी वो चंद सौ रह चुकी हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है बड़े एमरजेंसी लेवल पे जो है इकदाम किए गए, ये आपके सामने पिक्चर भी दिखाई जा रही है कि डॉल्फिन को रेस्क्यू किया जा रहा है, इसको यहाँ से निकाल के जो है किसी महफूज जगह पे शिफ्ट करके और फिर वहाँ पे उसकी अफजाइश की गई। ये इंटरनेट के ऊपर इसके हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज भी मौजूद हैं, ठीक है। और बारा बस्टर्ड ये भी इंडेंजर्ड स्पीशी है पाकिस्तान में, जो कि थर के सहराओं में ये परिंदा जो है ये आता है, आपके जो सोवियत कंट्रीज हैं ताजिकिस्तान वगैरह से, तो इसको भी बहुत ज़्यादा ख़तरा पाकिस्तान में। और इसके अलावा मार्को पोलो शिप है, ये भी भेड़ की किस्म है जो पाकिस्तान में पाई जाती है, इसको भी इतना ज़्यादा शिकार किया गया कि अब ये इंडेंजर्ड जोन में जा चुकी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हुआ।
हमने आज डिफॉरेस्टेशन के हवाले से पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, कॉजेज और इफेक्ट्स को देखा, फिर हमने सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट्स को समझा, ओवर हंटिंग एक प्रॉब्लम है बायोडाइवर्सिटी में, इसी तरह से जो स्टेप्स लिए गए हैं कंजर्व रखने के लिए पाकिस्तान के अंदर, हमने उनको भी ओवरव्यू किया, और इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान की हमने दो तीन एग्जांपल्स आज भी हमने देखी। ठीक है, आज का होमवर्क आप लोगों का डिफॉरेस्टेशन और इसके कॉजेस को आपने प्रिपेयर करना है, इसके अलावा इसके हार्मफुल इफेक्ट्स पे नोट तैयार करना है आपने, और कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज के नाम आपके सामने आए हैं उनको भी आप याद कर लें, और हुबारा बस्टर्ड के हवाले से आप नोट प्रिपेयर कर लीजिए। हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, और कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपको मैं इस चैप्टर के हवाले से जो इंपॉर्टेंट मार्क्स मार्किंग है वो करवा दूंगा, और इस तरह से हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।